तुम्हारे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो तुम्हारा एक स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्रामिंग। उसके अंदर टॉप 100 अमेज़न क्वेश्चंस है, टॉप 100 गूगल क्वेश्चंस है, वो सेलेक्ट करके गए हैं कि ये क्वेश्चंस जो है गूगल के फेवरेट क्वेश्चंस है, या ये क्वेश्चंस अमेज़न के फेवरेट क्वेश्चंस है, या ये क्वेश्चंस फेसबुक के फेवरेट क्वेश्चंस है। तुमने देखा होगा यार, ओएस भी पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड भी पूछा जा रहा है, डीबीएमएस भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसकी कहां से प्रैक्टिस करें। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सो यार, आज के सेशन में मैं तुम्हारे को बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन वेबसाइट के बारे में बताने आया हूँ, जिसमें सब कुछ है सब टाइप के लोगों के लिए। अगर तुम बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग, तो भी उस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। अगर तुम इंटरमीडिएट हो, थोड़ी बहुत कर रखी है प्रोग्रामिंग, तो भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो प्लेटफॉर्म को। और अगर एडवांस बंदे हो कि काफी सारे प्रोग्रामिंग कर चुके हो और अब इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो भी उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री टू लर्न एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कोई पैसे नहीं लगने हैं। सो सब टाइप के लोगों के लिए कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूँ। सो एंड तक रहना एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी बहुत अच्छे से मदद हो जाएगी, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब और जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म का नाम है, आई थिंक काफी लोगों ने सुना होगा, दैट इज कोड स्टूडियो। ठीक है, वो हमारा मोटिव ही उसके पीछे ये है कि लोगों की इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। सो अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। सो कोड स्टूडियो, हाउ कोड स्टूडियो इज यूजफुल फॉर बिगनर्स। ठीक है, अगर बिगनर हो तो कोड स्टूडियो पे क्या यूटिलाइज करना चाहिए तुम्हें। आई थिंक अगर बिगनर हो, कभी कुछ नहीं करा प्रोग्रामिंग पे, तो आई थिंक वी हैव थ्री गाइडेड पाथ्स, बेसिक ऑफ C++, बेसिक ऑफ जावा एंड बेसिक ऑफ पाइथन। तीनों लैंग्वेज में है, तुम अपनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट चूज कर सकते हो। अगर C++ पहले से पढ़ी गई है तो बेसिक ऑफ C++ अच्छे से कर सकते हो। अगर लाइक जावा में करना है तो जावा में कर सकते हो, अगर पाइथन में करना है तो पाइथन में कर सकते हो। उसमें सब कुछ कवर्ड है कि अगर एक लैंग्वेज में मुझे स्टार्ट करना है, फंक्शंस, लूप्स, पैटर्न के क्वेश्चंस, एरेज, बेसिक चीजें सीखनी है, कोड करना सीखना है, सो दीज थ्री गाइडेड पाथ्स आर परफेक्ट फॉर यू। ये अच्छे से पूरा एंड टू एंड कर लोगे तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें नोट्स कवर्ड है, MCQs कवर्ड है, कोडिंग क्वेश्चंस है, सो पूरा अच्छे से तुम्हारा एक बेस स्टार्ट हो जाता है और तुम अच्छे से एक प्रोग्रामिंग में स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा करियर। ठीक है, सो यू कैन यूटिलाइज दीज थ्री गाइडेड पाथ्स। इसके अलावा बाकी चीजों पर फोकस मत करना, बाकी चीजें और लोगों के लिए है। अगर तुम बिगनर हो तो इन तीन गाइडेड पाथ्स में से एक गाइडेड पाथ पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तुम्हारे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सो तुम्हारा एक स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बिगनर को तो ये तीन गाइडेड पाथ्स ही करने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के लोग, विच इज इंटरमीडिएट पीपल, जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है। नाउ आई थिंक दे शुड फोकस मोर ऑन DSNL को, कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो उनके लिए सबसे पहली बात, तो सबसे परफेक्ट पाथ बना हुआ है DSNL का गाइडेड पाथ। इट हैज 377 प्रॉब्लम्स, है ना, उनके अंदर सॉल्यूशंस हैं जावा, पाइथन, C++ के, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। जो हम बात करते हैं ना कि मेरे को एरेज में कौन से 20 क्वेश्चंस करने हैं, एरेज में भी फर्दर वो है कि कैटेनेज एल्गोरिथम के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मुझे टू पॉइंटर्स के कौन से क्वेश्चंस करने हैं, स्ट्रिंग्स में कौन से क्वेश्चन करने हैं, लिंक्ड लिस्ट में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सो हर टॉपिक के कौन कौन से वो 20-22 क्वेश्चंस है जो मुझे करने हैं, राइट, किस ऑर्डर में करने हैं, वो भी डिफाइंड है तुम्हारे लिए। तो वो 377 प्रॉब्लम्स का पूरा एक गाइडेड पाथ है। अगर वो पूरा अच्छे से फॉलो कर लिया, आई टेक अ गारंटी DSNL में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। और उसके पीछे ना हमने पूरा दिमाग लगा रखा है कि ऐसे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं जो गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पूछे जाते हैं। सो वो 377 प्रॉब्लम्स एकदम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की तरह कवर्ड है, और अगर तुम वो अच्छे से कर लोगे तो DSNL में बहुत सही हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट वालों के लिए एक और चीज आई विल रिकमेंड। जैसे क्या होता है, तुमने गाइडेड पाथ में बाइनरी ट्री की प्रॉब्लम्स करी, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, राइट, 20-25 प्रॉब्लम्स करी बट अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स करनी है, तो वी हैव अ ओवरऑल, हमारे पास 2000+ प्रॉब्लम्स है कोड स्टूडियो पर, राइट, और बाइनरी ट्री की हमने जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है वो गाइडेड पाथ में डाल रखी है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम पेज जिसपे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें टॉपिक का फिल्टर लगा के तुम बाइनरी ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो भी तुम्हारा टॉपिक वीक है, तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग वीक है, उसमें फिल्टर में डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाओ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सारे क्वेश्चंस कर लो, जितने भी करने, लाइक 10 क्वेश्चंस और करने हैं, रिकर्जन के मुझे थोड़े और क्वेश्चंस करने हैं। तो इन 2000+ प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो तुमने नहीं करे होंगे, तो उससे तुम्हारा टॉपिक में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लोगों को आई थिंक मोस्टली DSNL पे फोकस करना है, गाइडेड पाथ को अच्छे से फॉलो करो, उसमें जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्रॉब्लम्स पेज पे जाओ, वहां पर फिल्टर लगाओ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस कर लो। आई थिंक कोड स्टूडियो पे तुम्हें अभी कंपनी वाइज प्रिपरेशन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग पे फोकस करना चाहिए, बहुत सारे DSNL के क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए।
है ना, गाइडेड पाथ इज परफेक्ट फॉर यू। रिवीजन करना है तो प्रॉब्लम्स वाले पेज पे उस टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस कर लो एंड दैट विल बी अ परफेक्ट थिंग फॉर यू। जब ये हो गया, अब द नेक्स्ट थिंग इज, अब तुम एडवांस लेवल पर आ गए हो, अब क्या यूटिलाइज करना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर। देखो, अब हमें थोड़ा सा इंटरव्यू स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। अब इंटरव्यू स्पेसिफिक क्या हो सकता है, जैसे मेरे मान लो 1.5 से 2 महीने बाद या तो इंटरव्यू है, तो हमारा एक और गाइडेड पाथ है इंटरव्यू गाइड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। उसके अंदर ना 100 से 120 क्वेश्चंस हैं जो इन कंपनीज के टॉप क्वेश्चंस होते हैं। हमें मेंटेन करना है एक फ्लो 1.5 महीना पहले इंटरव्यूज के लिए, तो वो एक गाइडेड पाथ हमारे लिए परफेक्ट है। उसमें 123 क्वेश्चंस हैं, अगर वो अच्छे से कर लेंगे तो हमारा एक फ्लो बन जाएगा कि 1 से 1.5 महीने अगर हमने वो लक्की कर लिए तो हमारा एक फ्लो बन जाएगा कि इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स हमें कैसे फोड़नी है। गाइडेड पाथ के टर्म्स में ये है। इसके अलावा हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत यूजफुल होते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे यूजफुल होते हैं, मान लो तुम्हारा अमेज़न का इंटरव्यू है, गूगल का इंटरव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है, नाउ यू कैन लुक एट। अगर इंटरव्यू भी नहीं भी है तो अब तुम देखना शुरू कर सकते हो, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट और क्या क्या चीज पूछता है, राइट? ये यार माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में ये डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चन होते हैं। जब तुमने इतना प्रैक्टिस कर लिया हो तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये तो मैं कर पा रहा हूँ, अच्छा ये मेरा टॉपिक वीक है तो मैं प्रॉब्लम पेज पे जाके कर लेता हूँ, है ना। तो मैं गाइड पाथ की प्रैक्टिस कर सकता हूँ कहीं का, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, बट मैं अब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज देखना शुरू कर सकता हूँ और नाउ उससे मुझे समझ में आएगा कि मेरे को और चीजों पे किस पे और इम्प्रूव करना है, राइट? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत सारे देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, आई थिंक ओवरऑल 500 प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, हर टाइप की कंपनी के, स्टार्टअप्स के भी हैं, जोमैटो, उबर, राइट? ऊपर तो वैसे अब कंपनी हो गया है, बट मतलब इन द सेंस सब टाइप की कंपनियों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनको तुम देखना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा मान लो अब मेरा कभी बार क्या होता है यार, मेरा गूगल का इंटरव्यू है 20-25 दिन बाद या अमेजोन का इंटरव्यू है 20-25 दिन बाद, तो मैं ट्राई करूंगा मैं अमेजोन के ही मोस्टली क्वेश्चंस करूं। तो एक हमारी प्रॉब्लम लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर टॉप 100 अमेजोन क्वेश्चंस है, टॉप 100 गूगल क्वेश्चंस है, वो सेलेक्ट करके गए हैं कि ये क्वेश्चंस तो यार गूगल के फेवरेट क्वेश्चंस है, या ये क्वेश्चंस अमेज़न के फेवरेट क्वेश्चंस है, या ये क्वेश्चंस फेसबुक के फेवरेट क्वेश्चंस है। तो वो प्रॉब्लम लिस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, उसके अंदर वैरायटी कवर्ड है, उसके अंदर अमेज़न के अंदर फर्दर की बाइनरी ट्री के कौन से क्वेश्चंस है, अमेज़न के बीएसटी के कौन से क्वेश्चंस है, अमेज़न के ग्राफ्स के कौन से क्वेश्चंस है, वो लिस्ट अच्छे से फॉलो कर सकते हो टू प्रैक्टिस कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है? प्रॉब्लम लिस्ट अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद जब तुमने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखा होगा ना, तुमने देखा होगा यार ओएस भी पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड भी पूछा जा रहा है, डीबीएमएस भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसकी कहां से प्रैक्टिस करें? अगेन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास गाइडेड पाथ्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंडस्ट्री लेवल का गाइडेड पाथ है, मतलब अमेजोन के ओएस के क्वेश्चंस कौन से हैं, सैमसंग के ओएस के क्वेश्चंस कौन से, पूरा एक गाइडेड पाथ बना हुआ है, पूरा एक फॉलो करा हुआ है, नोट्स के साथ है, एमसीक्यूज के साथ है, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उस गाइडेड पाथ को भी यूटिलाइज कर सकते हो। सिमिलरली एप्टीट्यूड का एक गाइडेड पाथ है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेड पाथ बना हुआ है टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ओवरऑल तुम्हारा ओएस कवर हो गया, एप्टीट्यूड कवर हो गया। वी आर सून कमिंग अप विद डीबीएमएस गाइडेड पाथ, सिस्टम डिजाइन गाइडेड पाथ, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग गाइडेड पाथ, तो ये सब एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो हमें सीखनी है, उनके गाइडेड पाथ भी बाद में आने वाले हैं, बट करंटली आई थिंक जो भी हमें चाहिए मोस्टली वो सारा कवर्ड है इस वेबसाइट पे। So, इस वेबसाइट पे आज ही जाओ, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे कोड स्टूडियो की, पूरा अच्छे से फॉलो करो। बिगनर को मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, बिगनर को क्या करना है, बेसिक ऑफ C++, जावा, पाइथन में से गाइड पाथ करना है। इंटरमीडिएट वालों को डीएस एंड एल्गो का गाइड पाथ, प्लस जिस क्वेश्चंस में उनको दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चंस को प्रॉब्लम पेज से करना है। एडवांस वालों को इंटरव्यू गाइड वाला गाइड पाथ है ना, उसमें 120 क्वेश्चंस है, प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लिस्ट है, टॉप अमेज़न क्वेश्चंस, टॉप गूगल क्वेश्चंस, इनको फॉलो कर सकते हो, प्लस एप्टीट्यूड का गाइड पाथ, ओएस का गाइड पाथ, डीबीएमएस का गाइड पाथ आने वाला है, सिस्टम डिजाइन का गाइड पाथ आने वाला है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का गाइड पाथ आने वाला है, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। सो बिगनर से लेकर एडवांस तक सब टाइप के लोगों के लिए हमारा उस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है, है ना। आई नो कुछ चीजें होंगी जो तुम चाहते हो और वो भी ना हो, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट और उसको जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, है ना। बाकी तुम यूटिलाइज करो प्लेटफॉर्म पे, कोई भी फीडबैक है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल बी डेफिनेटली हियरिंग दैट, ठीक है। बाकी इसके अलावा हम थोड़ा टेस्ट वालों को भी लाने वाले हैं कि टेस्ट भी दे पाओ तुम प्लेटफॉर्म पर, वो भी जल्दी आने वाला है, तो कहीं मत जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोड स्टूडियो पे सब कुछ मिलेगा, जो नहीं है वो बताओ वो हम डालेंगे, है ना। बाकी जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो और फोड़ दोगे तुम इंटरव्यू, ओके? चलो गुड लक।